टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में अब जमीयत उलमा हिंद की 7 टीम मुमरा शहर के अलग अलग हिस्सों में उन नौजवान लड़के लड़कियों को समझाने के लिए तैयार किया जा रहा है जो नशे में लिप्त हो चुके हैं, जो लड़कियां बेपर्दा होकर सड़कों पर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाती हैं, उन्हें दीन और इस्लाम के बारे में जमीयत उलमा हिंद समझाने का काम करेगी। मुमरा कौसा में रेती बंदर पहाड़ के पास जो डैम है वहाँ पर और ऐसे कई इलाके हैं जहाँ लड़के नशा करते हैं और कई जगह ऐसे हैं जहाँ लड़के और लड़कियाँ मिलकर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाकर अपलोड करती हैं। मुमरा शहर में कई जगह ऐसे हैं जहाँ लड़के लड़कियाँ वीडियो बनाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। इन नौजवान लड़के लड़कियों को समझाने के लिए जमीयतुल उलमा हिंद ने अब कमर कस ली है। मुमरा जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना वहाब कासमी ने कल तमाम उलमाओं के साथ एक मीटिंग रखी और मीटिंग में दत्तूबाड़ी से लेकर खरडी रोड तक जमीयतुल उलमा की 7 टीम बनाई गई है जो लड़कियों को पर्दा करने के बारे में और नशा जैसे ख़तरनाक चीज़ों से बचने के लिए लड़के लड़कियों को इस्लाम के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही मौलाना वहाब कासमी ने नौजवानों को सही राह दिखाने के लिए घर घर जाने की भी बात कही है। बैठक खत्म होने के बाद जमीयतुल उलमा हिंद के मुमरा के सदर मौलाना वहाब कासमी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज जो है मीटिंग अपने जमीयतुल उलमा मुमरा कौसा की मुंतजिमा की मीटिंग थी। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र की हिदायत पे इस्लाह मुआशरा के लिए ये मीटिंग की गई है कि हमारे शहर के अंदर ख़ासकर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आजकल मुआशरे के अंदर बहुत ख़राबी हो रही है और हमारे बच्चियां हमारे बच्चे कोई नशा में मुब्तला है, कोई इर्तिदाद की तरफ जा रहा है। इस हिसाब से जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र ने हमें हिदायत दिया है कि आप हजरात इस्लाह मुआशरा पे ज़ोर दें। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने शहर के अंदर 7 जोन बनाया है और 7 जोन के अंदर 7 जिम्मेदार बनाया है जो जमीयतुल उलमा आमिला के हैं और उनके साथ साथ इंशाअल्लाह 25 से 30 या 20 उलमा की टीम या और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी टीम रहेगी और ये हम लोग मिल करके इस शहर के अंदर से बुराई को ख़त्म करने का आज़म कर रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं कि हम लोग इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस तरह के नेक काम दीन के काम करते रहेंगे और मुआशरे में जो बिगाड़ है उसको अल्लाह की दाद से उम्मीद करते हैं कि उसको ख़त्म करके ही हम लोग अब चुप बैठेंगे। तो जमीयत की तरफ से जो 7 टीम बनाई गई है मुमरा कौसा के कौन कौन से इलाकों में है और ये किन चीज़ों पर काम करेगी? 7 जोन बनाया गया है, एक तो रेती बंदर से लेकर के सिद्दीकिया मस्जिद तक, सिद्दीकिया मस्जिद से लेकर के अरकम मस्जिद तक, अरकम मस्जिद से लेकर के तनवर नगर तक और तनवर नगर से लेकर के शिमला पार्क तक और शिमला पार्क से लेकर के खरडी गांव तक और खरडी गांव से फिर उत्तर शिव तक। और इन 7 जोन के अंदर जमीयतुल उलमा के जो अहम जिम्मेदार हैं, जो आमिला के मेंबरान हैं, वो जो इमाम भी हैं और दीनी खिदमत भी करते हैं उनको जिम्मेदार बनाया गया है, उन्हीं के मातहत कमेटी काम बन रही है। जो है ये जो कमेटी बनी है किस चीज़ पर काम करेगी, क्या चीज़ इनका मुद्दा अहम रहेगा, कौन कौन से ऐसी चीज़ हैं जिन पर ये कमेटी काम करेगी? सबसे बड़ी चीज़ तो है जो हमारे दरमियान हमारे मुआशरे के अंदर बुराइयां फैली हुई हैं, ख़ास तौर पर नशा और बच्चियों और बच्चों की बेराहरवी और फुहाशी यानी जो बेपर्दगी हो रही है, कहीं देखो बच्चे और बच्चियां बैठे हैं, किसी का लिहाज नहीं है, किसी का एहतराम नहीं है, बैठे हैं और उल्टा सीधा काम कर रहे हैं जिससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है और ख़ासकर मुस्लिम मुआशरे के ऊपर एक असर पड़ता है। उस बुराई को ख़त्म करने के लिए ये उलमाए किराम की टीम जमा हुई है और अल्लाह ताला की दाद से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस बुराई को ख़त्म करेंगे। तो ये आपकी जो मुहिम है वो घरों तक किस तरीके से जाएगी? हमारे जो जोन के मेंबरान हैं वो अपनी टीम को लेकर के जिस देखेंगे कि किस घर में क्या हो रहा है, जो बुराई हो रही है और किस मोहल्ले में बुराई हो रही है, कहाँ ज़्यादा नशे वाले लोग हैं,
तो वो उनसे मशवरा करेंगे, उनके पास जाएंगे और उनको जाकर के समझाएंगे और समझा करके फिर अपनी कमेटी को एक रिपोर्ट देंगे कि भाई आज ऐसा काम हुआ, और फिर ये देखेंगे कि भाई कहाँ पे ज़्यादा बुराई है तो वहाँ कोई अच्छा प्रोग्राम सजाएंगे, कोई अच्छे आलिम को बुलाएंगे, एक अल्लाह वाले को बुलाएंगे, तकरीर करवाएंगे, हमारी बहनें हमारी माएँ वो भी सुनेंगी और लोग भी सुनेंगे ताकि माशरे के अंदर सुधार पैदा हो। जमीयत उलमा मुमरा कौसा की जो मुंतज़िमा की मीटिंग हुई है इसमें जो बातें रखी गई हैं फहाशी और यानियत और समाजी एतबार से जो हमारा ढांचा स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुका है, और तकरीबन हर एक माँ बाप इस बात से बिल्कुल परेशान है कि नई नस्ल का अब होगा क्या। इस सिलसिले में अब शहर के उलमाए किराम ने यह तय किया है कि मस्जिदों के एतबार से भी हम हर मस्जिद में इस बात पर, इस उनवान पर गुफ्तगू करेंगे ताकि हम मारूफात को आम करें और मुनकरात को समाज से ख़त्म करने की कोशिश करें। दूसरी बात, मैं आवाम से ये अपील करूँगा जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से कि आवाम इस काम में हमारा साथ दे, बग़ैर तआवुन के हम इस काम को आसानी के साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आवाम से ये अपील करते हैं कि उलमाए किराम जो आपके दरमियान उतर करके मुनकरात को ख़त्म करने के लिए और मारूफात को आम करने के लिए आपके दरमियान आएँ तो आप उनका भरपूर तआवुन करें ताकि हम एक सालेह मआशरे को तश्कील दे सकें। मौलाना, इस ये जो मुहिम आपकी जमीयत की तरफ से शुरू की गई है तो इसमें यहाँ की जो तंजीमें दिगैर तंजीमें हैं, जो संस्था है, क्या इसको भी आप साथ में लेकर चलेंगे? मुमरा के हर फर्द को साथ लेकर चलेंगे, वो कोई भी तंजीम हो जो भी नेक काम करने के लिए आगे आएगी हम उसका खैर मकदम करेंगे, उसको अपने साथ में लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह लजीज बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कि माशाल्लाह आज जो जमीयत उलमा हिंद पूरे हमारे हिंदुस्तान में बढ़ चढ़ कर जो काम कर रही है बड़े बड़े अल्लाह वालों के साथ मिल कर के, तो वाकई में जमीयत उलमा हिंद का जो काम है ये बुनियादी ऐसा काम है कि वो ऐसी बुराइयों से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को दूर करता है, और इसकी दावत जो हर जगह मोहल्ले मोहल्ले में हर इलाके में हर स्टेट में जो चल रही है, जिसमें अभी मौलाना ने जो बात कही कि जो इन्होंने यहाँ से बीड़ा उठाया है कि इंशाल्लाह आज जो हमारे में बुराइयाँ चल रही है उस बुराइयों का सबब जो है वो हमारी घर की बच्चियाँ बन रही है, जिसकी वजह से हमें बेशर्मी का जो है वो बहुत बड़ा हमारे साथ इम्तिहान चल रहा है। ये बेशर्मी को दूर करने के लिए जो आज उलमाए कराम का एक जोड़ बना जिसमें मेहनत की गई कि हल्के बनाए गए, और इसके अंदर इंशाल्लाह मेहनत होगी, इसलिए कि मौलाना ने एक बात को जो है वो खुलकर नहीं बताया बल्कि आप सब लोग को पता है कि आपके माध्यम से आप लोग भी खुद ये देखते हैं कि आज हमारे इलाके में दो चीज़ें जो है वो नई उभर के आई है, जिसमें एक रेती बंदर है जिसको चौपाटी के नाम से अभी से नाम दे दिया गया है, वहाँ पर बड़े आसानी से जो है बच्चियाँ जाती है और जो है हमारे मुमरा का नाम ख़राब करती है। अदरवाइज़ जो है वो एक हमारा जो बाईपास बना है जिसके ऊपर भी ये बुराइयाँ बड़ी जो है वो बेइंतहा जो है वो होने लगी है। इस तमाम चीज़ों को देख करके उलमाए कराम के दिल में जो ये बात आई है कि माशरे को सुधारा जाए और मुमरा कौसा में इन तमाम चीज़ों से लोगों को जो है वो घर घर मोहल्ले मोहल्ले में इस चीज़ की तालीम दी जाए, और खुसूसन मैं माशाल्लाह जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ उलमा को कि जो है वो जमीयत उलमा हिंद के जो है वो इस काम को लेकर के अगर इंशाल्लाह मैदान में आएंगे और ये खिदमत अगर की जाएगी तो इंशाल्लाह बेशक जो है वो अल्लाह की मदद आएगी और इंशाल्लाह मामलात हल हो जाएगी इंशाल्लाह।